पंजाब में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तरनतारा के खेमाकरण में पाकिस्तान के 5 घुसपैठियों को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार बीएसएफ के जवानों ने कुछ संदिग्ध लोगों को सीमा के पास देखा। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो घुसपैठियों ने गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके जवाब में बीएसएफ के जवानों ने भी गोलियां दागी और 5 घुसपैठियों को मार गिराया। बताते चले कि खेमाकरण पंजाब के तरनतारा जिले में आता है, जो कि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। बताया जा रहा है कि इन घुसपैठियों में से एक के पास असॉल्ट राइफल भी मिली है। गौरतलब है कि सीमा पार से आतंकियों को लगातार भारत में भेजा जाता है। सेना की मुस्तैदी के चलते आतंकी संगठनों के मंसूबों पर हर बार पानी फिर जाता है। पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकी घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम कर चुके हैं। बता दें, पंजाब में नशे का कारोबार काफी बड़े स्तर पर फैला हुआ है। राज्य का युवा वर्ग सबसे ज्यादा इसकी चपेट में है। नशे की ज्यादातर खेपी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से होती है। इस पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार काफी प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद नशे के सौदागर युवाओं को मौत बांट रहे हैं। बीएसएफ और पुलिस नशे के कारोबार को रोकने के लिए अक्सर कार्रवाई करती रहती है। स्पेशल न्यूज डेस्क, IBN भारत।